हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल खाना पीना और मज्जा में। आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स बिरयानी। इसके लिए हमने लिए हैं प्रॉन्स, कोथिंबीर, लेमन, पुदीना, लहसुन और अदरक। हमें पहले प्रॉन्स को मैरिनेट करना है, तो इसके लिए हम पहले कोथिंबीर, पुदीना और लहसुन और अदरक की पेस्ट बना लेंगे। मैंने लिए है प्रॉन्स, इसमें जाएगा आधा नींबू का रस, थोड़ी सी हल्दी, अपना मसाला, नमक, धना जीरा पाउडर और जो हमने पेस्ट बना ली थी कोथिंबीर, पुदीना और अदरक लहसुन की, वो इसमें मैं 1.5 चम्मच ऐड करती हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए लगभग मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जितना अच्छे से ये मैरिनेट होगा, इसका स्वाद उतना ही और बढ़ेगा। इसको अपना सारा मसाला लग चुका है, तो अब मैं इसे ढक के 15 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तब तक हम बिरयानी की तैयारी करेंगे। बिरयानी के लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, टोमेटो, मिर्ची, पुदीना, कोथिंबीर और गरम मसाला। इसमें लिया है तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और ये शाही बिरयानी मसाला और दही। हमें ये स्लाइस किया हुआ प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तो पहले हम ये फ्राई कर लेंगे। तो मैंने लिया है कढ़ाई में तेल, ये स्लाइस किया हुआ ओनियन, हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी फ्राई करना है। हमें इसे जलाना नहीं है, हमें इसे फ्राई करना है। ये देखो, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम बिरयानी भी बना लेंगे। वो कहते हैं ना, वन पॉट मिल, वैसे ही कुछ। मैंने उसी कढ़ाई में डाला है तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, ये गरम मसाले का एक फूल रहता है टकरी फूल, लौंग और काली मिरी। मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसमें जाएगा प्याज, जैसे प्याज थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और कोथिंबीर की पेस्ट, टोमेटो, मिर्ची, कोथिंबीर और पुदीना। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें जाएगी हल्दी, अपना मसाला, बिरयानी मसाला और नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे अच्छे से पका लेना है। अब इसमें जाएगा दही, मैं इसमें 4 से 5 चम्मच दही ऐड कर देती हूँ। जब हम दही इसमें ऐड करेंगे तो गैस का फ्लेम स्लो रखना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैरिनेट की हुई प्रॉन्स। हमें इसे अच्छे से मिक्स करके पकाने के लिए रख देना।
थोड़ी सी कोथिंबीर और मैं भी इसे ढक के 5 मिनट के लिए पका लूँगी। वैसे तो ये प्रॉन्स जल्दी जल्दी पक जाता है। देखो हमारे प्रॉन्स अच्छे से पक गए। अगर आप ऐसे ही बिरयानी बनाना चाहते हो, जैसे कि चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, तो आप प्रॉन्स की जगह पे चिकन ऐड कर देना, बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर देना। अगर आप वेज बनाना चाहते हो तो उसमें सोयाबीन या फिर आलू मटर कुछ भी ऐड कर दो। हमारे प्रॉन्स पक गए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। मैंने राइस पहले ही कुक कर लिया था 80% तक। देखो काफ़ी खिला खिला बासमती राइस हमने पका लिया है। अब ऊपर से इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑनियन। फिर से ऊपर से राइस। जब हम ये लेयरिंग करेंगे तो आप अपने गैस का फ्लेम स्लो रखना, नहीं तो नीचे का मसाला जल जाएगा। ऊपर से फिर से 2 चम्मच घी। फिर से गोल्डन ब्राउन किया हुआ ऑनियन। और कलर के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। हमने कोई मार्केट में मिलने वाला कलर इसमें नहीं डाला है, तो हमें ये केसर का दूध ही इसको अच्छे से कलर करके देगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अगर आप नहीं चाहते तो मत डालिए। इससे काफ़ी ज़्यादा स्वाद बढ़ता है हमारे बिरयानी का। और ऊपर से अपनी कोथिंबीर और पुदीना। ये मैंने तवे पे अपनी कढ़ाई रख दी है और हमारी बिरयानी अभी पकने के लिए हम इसे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसे ही रखेंगे जिससे कि हमारी बिरयानी एकदम दम बिरयानी की तरह पक जाए। ये देखो हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, अच्छे से पक गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।